मंगलवार को बाजना मोड़ की प्रांगण में चल रहे किसान कल्याण समिति के धरने में एमएलसी संजय लाठर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि छुट्टा गोवंश से किसान काफी परेशान हैं, जिसको लेकर रामबाबू कटेलिया के नेतृत्व में किसान पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता रामबाबू सिंह कटेलिया का आरोप है कि जनपद में गोवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं तहसील और थाना स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता से लेकर हल करना चाहिए, लेकिन प्रशासन मौन बना हुआ है। किसानों के धरने में एसपी ग्रामीण आदित्य कुमार शुक्ला और एसडीएम प्रशासन भी पहुंचे और किसानों के बीच जाकर उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया और धरना समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन किसान एसएसपी और डीएम को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान एमएलसी संजय लाठर ने किसानों की समस्या को जायज बताते हुए जल्द निदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान दिन और रात मेहनत करके अपनी फसल को नहीं बचा पा रहा है, खुले में घूम रहे छुट्टा गोवंश उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान धरने में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कोई भी केस, कोई भी कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठ सकता। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। जिस दिन मंदिर मस्जिद का फैसला आना था, उस दिन कोई घटना ना घट जाए, सारा प्रशासन मुस्तैक और तैनात हो गया था। नौकरी करते हैं जैसे वैसे हो गया, और आपको हैरानी होगी, रोजाना मर्डर होते हैं, रोजाना डकैती होती है, रोजाना बड़े बड़े कांड होते हैं। उस दिन एक दो दिन तक कोई भी कांड पूरे प्रदेश में एक भी अपराध नहीं हुआ, एक भी, क्योंकि पुलिस मुस्तैक थी, प्रशासन मुस्तैक था। अगर प्रशासन अगर इसी तरह अलर्ट रहे, मुस्तैक रहे, तो ये कानून व्यवस्था का जो मुद्दा आपने किया है ये नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब जनता का इकबाल भागेगा, जनता का इकबाल कायम होगा और जनता के इकबाल से सरकार बनेगी, और ये तब होगा जब आपने किया। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है, संभल जाए, ये तो आहट है, आहट शुरुआत है। अगर प्रशासन नहीं माना तो इस मामले में भी हम कटेलिया जी के साथ कदम से कदम चला के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। वो आपने कानून व्यवस्था का तक को ठीक कर ले। दूसरे दिन भी आपके हमें दूसरे दिन प्रशासन आए तो खूब और बात कर रहा होगा जी, लेकिन कोई समाधान की ऐसी चीज नजर ना आ रही, क्योंकि ईमानदारी से या कोई समाधान करने की समस्या में हम लेकर बैठे जी। राय और विचार की बड़ी विकट समस्या है और ये प्रशासन के अधिकारों में ना आए, ये शासन के अधिकार में है। तो आंदोलन ज़्यादा लंबो चलावे को आगे बढ़ावे को मकसद सिर्फ ये है कि जो ऊपर सरकार बैठी है, जो शासन लखनऊ में, वहाँ के कानून तक आवाज़ जाए, और ये आवाज़ तभी जाएगी जो आप लोग मीडिया वाले सहयोग करेंगे या मीडिया दिखावेंगे भाई वहाँ आंदोलन चल रहा होगा। ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये प्रिंट मीडिया, जब ये सब लोग दिखाओगे, सहयोग करेंगे भाई वहाँ बहुत ज़बरदस्त लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं और बहुत परेशान है गौवंश की समस्या, तो निश्चित रूप से समाधान जब होगा। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि भाई तुम्हारी बस की बात ना, और तुम खाली लॉलीपॉप दे रहे हो। जैसे आज आपकी प्रशासन से बात हुई, बातों में क्या लगा? मेरी प्रशासन से बात कल हुई थी, रात भर लगे रहे मुझे जी, सुबह से लग रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है तुम हट जाओ यहाँ से, काम सब होंगे। तो मैंने यही कही, मैं भाई तुम पहले ही हटाए गए साल भर पहले, उससे बाद में कुछ भी नहीं हुआ, अब मान लो हम फिर हट जाएँ, कोई काम तो दिखाओ, पिछले साल से और आज तक क्या किया है। पहले जितनी समस्या आई एक साल पहले गौवंश की, वह तो ठीक दूनी है गई है दूनी, तो मैं कुछ करके तो दिखाओ, कुछ करके तो लाओ, अब मैंने कर पे कुछ है ना। तो हम यह प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने धरने को आगे बढ़ाया है कि जब तक, अब आगे की क्या गारंटी रहेगी आपकी? आगे की हमारा धरना चलेगा और जब तक चलेगा, जब तक हम और किसान सब ये समझने लेंगे कि हमारी समस्या को समाधान निश्चित होगा, तब तक हम चला। आपके धरने में कितने करीब लोग होंगे आज? आज कम से कम 1,500 लोग होंगे हमारे धरने का, कल कम से कम 3-4,000 आदमी, ये तो धरना हुए रोजाना घटे बढ़े, और लोगों ने ऐसा विश्वास है कि तो कटेलिया को 10 दिन तो पहले तो ख़त्म ही ना हो, 10 दिन तो पहले ख़त्म ही ना हो, और हमें तो वादा जाएंगे जाना आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार कह सके जब भी न सुनेंगे न मानेंगे, तो फिर यमुना एक्सप्रेस वे के बगल में बैठे लेके जनता वापस चढ़ जाएंगे और शांति मार्च होगा।
1000